भारत 6 साल में 300 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन के लक्ष्य पर काम कर रहा है। इस लक्ष्य में सुजलॉन एनर्जी की भी बड़ी भूमिका है, जो कि रिन्यूएबल और विंड एनर्जी सेक्टर की जानी मानी कंपनी है। देश के अक्षय ऊर्जा मिशन और कंपनी की आगे की योजनाओं पर CNBC आवाज संवाददाता से सुजलॉन एनर्जी के वाइस चेयरमैन गिरीश ताती ने एक लंबी बातचीत की। इस बातचीत में गिरीश ताती ने कहा कि आज पूरे देश में विंड एनर्जी इंस्टॉलेशन में सुजलॉन एनर्जी का 32% मार्केट शेयर है। पूरे देश में इस समय 47 गीगावाट विंड एनर्जी इंस्टॉलेशन है, जिसमें सुजलॉन की खुद की हिस्सेदारी 15 गीगावाट की है। आगे कंपनी विंड पावर में 8 राज्यों में बड़ा निवेश करने की तैयारी में है। कंपनी अपने वर्तमान मार्केट शेयर को बनाए रखने पर फोकस कर रही है। गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र समेत कई 8 राज्यों में निवेश करेगी। गिरीश ताती ने कहा कि राजस्थान में विंड और सोलर दोनों में काफी संभावनाएं हैं। गुजरात कंपनी के लिए नंबर 1 है और ये आगे भी नंबर 1 पर ही रहेगा। कंपनी MP में भी काम कर रही है। गिरीश ताती ने आगे कहा कि दक्षिण में कंपनी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पर फोकस कर रही है। कर्नाटका में भी कंपनी काम करेगी। ये 8 से 9 स्टेट ऐसे हैं जहां विंड, सोलर और लोड तकनीकों का कन्वर्जेंस अच्छा है, जिसकी वजह से इन राज्यों में सबसे ज्यादा काम होगा। उन्होंने आगे कहा कि अगले 5 से 6 साल यानी 2030 तक का कंपनी लक्ष्य 100 गीगावाट विंड एनर्जी क्षमता हासिल करने का है। कंपनी आगे रिन्यूएबल एनर्जी में 25 से 30% मार्केट शेयर बनाए रखने पर फोकस रखेगी। सुजलॉन एनर्जी की चाल पर बात करें तो आज ये शेयर 2.70 रुपए यानी 3.19% की कमजोरी के साथ 82 रुपए के स्तर पर बंद हुआ है। आज का इसका दिन का हाई 85.40 रुपए और दिन का लो 80.57 रुपए है। स्टॉक का 52-वीक हाई 86.04 रुपए है। स्टॉक ने एक हफ्ते में 5.06% और एक महीने में 2.56% रिटर्न दिया है। 3 महीने में ये शेयर करीब 57% और एक साल में 238.84% भागा है। 3 साल में इसने 1,171.32% रिटर्न दिया है।